बोलो 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 सर, सिक्योरिटी सिचुएशन जम्मू कश्मीर की है, उस पर क्या मौजूदा हालात हैं? कल भी आरपीएफ के लोगों को जो है टारगेट किया गया है। सिक्योरिटी सिचुएशन बहुत पहले से बेहतर है। ऑपरेशन जो काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन हैं वो हर रोज कामयाब ऑपरेशन हो रहे हैं। कहीं कहीं जो आतंकी एलिमेंट हैं वो अपने कार्रवाई भी करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, मगर जो कार्रवाई करते हैं उनकी पहचान की जा रही है और उनको जल्द न्यूट्रलाइज भी किया जा रहा है। सर, कल देखा हमने कि दो अलग अलग ग्रुप्स ने जो है क्लेम किया कि ये जो आरपीएफ पे अटैक हुआ है, ये अब किस तरह के ये होड़ लग गई है? ये जैसे मशरूम उगती है बरसात के दिनों में, उस तरह के ये ग्रुप हैं जिनका कोई वजूद जमीन पे नहीं है। ये सब लश्कर के एफिलिएट हैं, बुनियादी तौर पे लश्कर इस तरह की कार्रवाइयाँ कर रही हैं। पार से इनके हैंडलर जो हैं इस तरह की कार्रवाइयों करने की डायरेक्शन देते हैं। बाकी आपने देख लिया कि एक कार्रवाई को चार चार लोग दौड़ के उसको क्लेम करने के लिए चले हैं, मगर जो भी क्लेम करने वाले हैं उनको निशानदेही की जा रही है और मुझे उम्मीद है कि जल्द ही उनका सफाया किया जाएगा। अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है, आप किस तरह से देखते हैं सिक्योरिटी रिव्यू को, क्योंकि लगातार कश्मीर घाटी के अंदर एक खौफ पैदा करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, हम लोग पूरी तैयारी यात्रा के लिए कर रहे हैं। ये जैसे मैंने पहले कहा है कि हालात दिन ब दिन बेहतर हो रहे हैं। ये दुश्मन को, ये आतंकी जो ग्रुप हैं उनको ये उससे तकलीफ पहुँचती है। हम लोग जल्दी और भी जो इस तरह के आतंकी ग्रुप जो इस तरह की कार्रवाइयां कर रहे हैं उनका और ज्यादा का सफाया करने में लगे हुए हैं। पाकिस्तान में नई सरकार आई है, लगता है उसका भी एक वजह हो सकती है, एक तरफ पाकिस्तानी उसके बारे में कोई कमेंट नहीं किया जा सकता। काफी बुजदिलाना हरकत लगती है, घात लगा के मार रहे हैं, ये क्या संकेत देता है कि वो डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन अवॉइड कर रहे हैं और यही हाइब्रिड टेररिस्ट को यूज कर रहे हैं? देखिए, सीआरपी के अंदर जो सिटी में अटैक हुआ, 4 तारीख को अटैक हुआ और 7 दिन के अंदर उनका सफाया हो गया और दोनों ही फॉरेन टेररिस्ट उसमें शामिल थे। अभी एक और कोजी चाल, एक और नापाक हरकत पाकिस्तान की तरफ से, जब इनके लोकल जो जहां पर जो पिट्ठू हैं वो फेल होते हैं, उसकी जगह पे इन्होंने पाकिस्तानी जो टेररिस्ट हैं, दहशतगर्द हैं, जिन्होंने एक फेक आईडी आधार कार्ड भी बना रखे थे, वो वहां पर शामिल थे, उनको निशानदेही की गई। अभी इसमें भी जो हैं, ये जो नए लड़के ज्वाइन करवाते हैं, उनको पहले कोई ना कोई आतंकी कार्रवाई को उसको दी जाती है, आतंकी कार्रवाई को अंजाम देते हैं, उसके बाद उनको ज्वाइन करवाया जाता है ताकि उसके बाद वो दहशतगर्दी का जो जाल है उससे बाहर ना निकल सकें। और मुझे ये लगता है कि बिल्कुल बुजदलाना हरकत है, मगर जैसी भी कार्रवाई है इसका वाजिब जवाब दिया जाएगा। हम लोगों को सॉलिड क्ल्यूज हैं उसके अंदर और मुझे उम्मीद है कि जल्द ही जो लोग इन्वॉल्व हैं दे विल बी ब्रॉट टू जस्टिस। सर, कुपवाड़ा में आज छोटे वेपन्स की रिकवरी हुई है, क्या सर टारगेटेड किलिंग्स के लिए एम थे जो कंसाइनमेंट थे? देखिए, ये वेपन अभी स्मगलिंग होके जो पार से आ रहे हैं, इसमें एके भी शामिल है और पिस्टल भी शामिल है, ग्रेनेड भी शामिल है। ये पाकिस्तान की तरफ से जो नए जो तरीका जो निकाला गया हथियार ज़्यादा से ज़्यादा भेजने का, मेरे ख्याल में बहुत सारे हथियार जो इस तरह के भेजे गए हैं वो पकड़े गए हैं। ड्रोन के जरिए से भी हथियार भेज रहे हैं, वो भी बहुत ज़्यादा तादाद में पकड़े गए हैं। इसमें जो सिलसिला है ये ज़रूर है कि पिस्टल में अभी जो सिटी के अंदर कार्रवाइयाँ हैं ज़्यादा पिस्टल बाउंड टेररिस्ट करते हैं और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में ये कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी इस तरह के मॉड्यूल्स हैं उनको बस्ट करें और इस तरह के जो वेपन स्मगल होकर आए हैं पकड़ें। काफ़ी बड़ी तादाद में वेपन जो है जम्मू और कश्मीर दोनों खेतों में पकड़े गए। सर, होस्ट कॉल वाज मेड सो फार एज गो फर्स्ट फ्लाइट वाज कंसर्न, एनीबॉडी आइडेंटिफाइड एंड व्हाट यू सी वाज द पर्पस? उसकी कमेटी जो है जो एयरपोर्ट सिक्योरिटी देखती है, उसने कल जांच कर ली थी, उन्होंने ये समझा थे नॉन स्पेसिफिक कॉल है। उसके बाद जो ज्यूरी सिक्योरिटी प्रोसीजर है वो फॉलो किए गए थे एयरपोर्ट पे, उसके लिए अलग कमेटी वो देख रही है, मगर क्या मकसद क्या मुद्दा हो सकता है वो अभी तफ्तीश किया जा रहा है, मगर कॉल कहाँ से आई वो पहचान हो चुकी है। सर, एक आखिरी सवाल, सर